यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को ललितपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नाराहट में लवकुश जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नाराहट को विकास खंड बनाने के साथ फूड पार्क बनवाने की घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की और नदारद अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। कमल के फूल की इतनी बटन दबाई कि रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं इस क्षेत्र से, लगातार दूसरी बार आपने 1 लाख से अधिक वोटों से जिताना या जीतना या ललितपुर की धरती और आप सबका आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आपने श्री राम रतन कुशवाहा जी को दूसरी बार भी यहां से विजयी बना करके भेजा।